CAA और NRC को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। ये बवाल कई जगहों पर हिंसा का रूप ले चुका है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर CAA और NRC को लेकर बयान दिया है। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब CAA और NRC के विरोध के चलते दिल्ली में हिंसा फैली और लगभग 41 लोगों की मौत हो गई। अमित शाह ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि सभी नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि CAA से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, हालांकि सच्चाई यह नहीं है। अमित शाह ने कहा कि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम में एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया कि CAA नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने जनता से अपील भी की कि आप बाहर आइए और झूठ फैलाने वालों से पूछिए कि आखिर CAA में किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान कहाँ है। शाह ने कहा कि हम सत्य के लिए कदम उठाने से नहीं डरते हैं। वैसे अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्री लोगों को समझाने में लगे हैं कि CAA से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली। इसके बावजूद भी देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।